पूरा एक 5 मिनट है तो कुछ नई घोषणा, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम तुम्हारे लिए बीच में आना था, 2 मिनट में कर लेना हो। इस बार 23 तारीख को घोषणा करना थी, इस बार तुम्हारा नया वर्ष, मेरा नया वर्ष नहीं, मैं उसको मानता भी नहीं, लेकिन जनपद सत्य है, तुम्हारा नया वर्ष इस बार ऐसी सौगात से शुरू करूंगा, एक रहस्यमयी 1 जनवरी को भारत के दिगंबर जैनियों के लिए एक ऐसा मांगलिक उपहार लेके आ रहा हूं, ऐसा मांगलिक कि राजस्थान तो धन्य हो गई होगा, सारा भारत धन्य हो जाएगा। अभी तक 1-2 बार हुआ ऐसा, 1-2 साल बाद हुआ था, 1 जनवरी जो आप लोगों की दृष्टि से आप नया मानते हैं, आप लोग दृष्टि, और उस दिन कोई ऐसी चीज हो, ऐसा कार्य हो, एक ऐसा उमंग हो जो कि पूरी साल क्या पूरी जिंदगी उसका मांगली करे। हम हमेशा कहते हैं कि और दिन तुम करो जिसको तुम नया वर्ष मानते हो आपकी धारणा के अनुसार, कम के उस दिन कोई एक ऐसा शुभ कार्य करना सबसे अच्छा कार्य। मैं सबको कहता हूं और दिन कर नहीं कर, लेकिन 1 जनवरी को जरूर अभिषेक करना, सांधारा करना, साल भर तुम्हारा मंगलाचरण हो गया, सबसे बड़ा मंगल। और अब तो तुम्हें ऐसा देना चाहता हूं, देखो 1 जनवरी को तुम्हें वो कार्य मिलने वाला है कि वो पूरी जिंदगी भर का मांगलिक हो जाए। कहां होगा मैं स्थान नहीं बताऊंगा अभी। 1 जनवरी को उन मूर्तियों का अभिषेक मिलने वाला है जो हजारों सैकड़ों वर्षों तक जमीन में रह करके अपनी सुरक्षा की है, भूगर्भ से एक चैत्यालय प्रकट होने वाला है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, ऐसा बढ़िया चैत्यालय, ऐसी मूर्तियां, ऐसी अलौकिक मूर्तियां देखकर दंग रह जाएंगे। 2 साल पहले ऐसी मूर्तियां मिली थी केकड़ी के पास गुड़गांव में, गुणोदय में, और ऐसा समोषण बिल्कुल इतना बढ़िया समोषण सुरक्षित, जिन मूर्तियों को आताताई शक्तियां नाश नहीं कर पाई, जिन मूर्तियों को प्रकृति का प्रकोप नाश नहीं कर पाई और अपना अंग अंग सुरक्षित करके आज अपने पुण्य से मिली हैं, ऐसे मूर्तियों का अभिषेक करने का अर्थ है तुम्हारी जिंदगी का भी कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाएगी। हमारे यहां सिद्धांत है जिसकी पूजा करो वो कैसा है, वो जैसा होगा वैसा ही तुम्हें, जिन्होंने आताताई खंडित नहीं कर पाए, और भाग्य तो देखो किन्होंने, जिस समय उनके दुर्भाग्य देखो, जिस समय उन्होंने मूर्तियां जमीन में रखी होंगी, अंतिम मिट्टी का तसला डालते समय उनकी छाती पर क्या लगा होगा। जिनेंद्र भगवान को मिट्टी के अंदर रखना, दबाना, और आज अपने भाग्य तो देखो उन मूर्तियों को अपने हाथ में आ गई, प्रकट हो गई और अपन पूजा करेंगे, बहुत बड़ी चीज है। एक आदमी में और बताऊंगा इसकी महिमा, कल ध्यान में आएगी। आज एक ऐसा, बस अभी तो इतनी कह दिया, सारा रहस्य पूरा कल ध्यान में आएगा तो बताऊंगा। ऐसी मूर्तियां अपने हाथ में आ चुकी हैं, बीच में मैंने इसलिए नहीं किया कि वो झगड़े टंटे में थे, अपने हाथ में मूर्तियां आ गई हैं, और हो सकता है वो मूर्तियां किशनगढ़ में आ गई हो सकता है आ चुकी मेरे पक्का। अब उसका कार्यक्रम करना है, और ये सौभाग्य देखो किशनगढ़ समाज को यहां से घोषणा हो रही है। अब अभिषेक कहां होगा पता नहीं, 1 जनवरी के प्रातः काल की बेला में उन मूर्तियों का पूर्ण शुद्धिकरण के बाद, और सारा जगत उनके दर्शन करेगा, सारे भारत को मेरी सूचना है 1 जनवरी को गार्डनों में घूमने के लिए प्लान मत बनाना, रिजर्वेशन बनाना, ऊटी शिमला मादी घूमने मत जाना, एक ही चीज बनाना, 1 जनवरी को वहां जाएंगे जहां भूगर्भ से पूरा समोषण निकल करके ऊपर आया है, एक मूर्ति नहीं लगभग 50 मूर्तियों से ऊपर का समोषण, ऐसा समोषण जमीन में से निकल करके ऊपर आया है, और उस समोषण का अभिषेक करने के लिए आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आज तो मैं बार सबके लिए छोड़ रहा हूं। ऐसे समोषण आपको मिलेगा,
और जो लोगों ने 31 जनवरी 31 जो दुनिया भर का घूमने का प्रोग्राम बना लिया हो, वे सारे टिकट कैंसिल करा दो। सब जहां जिन्होंने सब कैंसिल करा के बस 31 का एक ही बात ध्यान रखो, जहां ऐसी भूगर्भ से मूर्तियां गार्डनों में घूमने से, दुनिया में घूमने से तुम्हारी सुरक्षा नहीं होगी बल्कि असुरक्षित और रहोगे। और ऐसी मूर्तियों का यदि तुमने 1 जनवरी में अभिषेक किया, जिन्होंने मूर्तियों में कितनी एनर्जी उसमें भरी हुई है कि उनके ऊपर एक बूंद का कलश ढल करके एक बूंद यदि माथे पर धारण कर लो तो तुम्हारी जिंदगी भर की सारी अनिष्ट होने की संभावनाएं सारी खत्म हो जाएंगी, सुरक्षा हो जाएंगी। क्योंकि मैंने गुड़गांव में प्रवचन दिया था, ये मूर्तियां साधारण नहीं है। जो आतताई जो एक एक मूर्ति को खंडित करते थे उनसे प्राण बचाए, जमीन कुदरत उन्हें नहीं मिटा पाई, कुदरत नहीं मिटा पाई, एक नाखून भी नहीं हुआ, सब कुछ पूर्णतः सुरक्षित होकर के। और ऐसी मूर्तियां आज कोई बनाना भी चाहे तो बना नहीं सकता। मैंने तो दर्शन कर लिए हैं तो मैं अभी नहीं कराऊंगा। और वो मूर्तियां भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियां प्रथम बार दुनिया के सामने आएंगी, पहली बार दुनिया उनका दर्शन करेगी और पहली बार उनकी पूजा होगी। ना जाने सैकड़ों हजारों वर्षों से ना उनका अभिषेक हुआ ना उनकी पूजा हुई, पहली पूजा, पहला अर्घ, पहला कलश 1 जनवरी को होगा। कहां होगा, कैसे होगा, अभी सोचता हूं। और सब लोग पिछिका का इंतजार कर रहे हैं कि पिछी परिवर्तन कब होगा। अब तो मुझे माल मिल गया, अब जाना कि जंगल के टाइम मत समझना। जब तक बैठा था तब तक मैं फ्री था, अब तुम्हारा धंधा पानी चालू हो गया। और भूगर्भ से मूर्तियां मिल जाए फिर तो सदा सागर। जैसे तुम्हें माल मिलता है ना, तुम अपने बेटों को सबको माला माल करना चाहते हो, ऐसे जब मुझे माल मिलता है तो मैं सारे भक्तों को माला माल करने का मुझे मन आ जाता है। माल मिलते जैसे तुम्हें माल मिलते सब कहते बेटा मांग ले, क्या मांगना है, ले जा क्या। ऐसे जब हमें ऐसी मूर्तियां मिलती हैं तो मेरा भाव होता है कि हमारे भारत का हर भक्त इस माला माल से वंचित न रह जाए और हर भक्त माला माल हो जाए। इसलिए 31 और 1 जनवरी का कोई कहीं प्रोग्राम नहीं बनाना, सबका एक ही प्रोग्राम है कि भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियों का महामस्तकाभिषेक। और ये कितने ठाट वाट के साथ हो आप चिंता मत करना, मैं सांगानेर का मोहताज नहीं हूं, मैं तो हर रिकॉर्ड को पीछे करता हूं। अरे अपने लिए तो वहां निकली तो वहां अभिषेक किया, अब यहां निकली तो यहां अभिषेक, अपन तो जितने निकलते जाएंगे उतने अभिषेक करते जाएंगे। ऐसा अब पिछली परिवर्तन कल ही कर लो ना, कल संडे। महाराज जी हम सभी की ओर से कि आप तो कर लेंगे पक्का है, आचार्य श्री के संग में ऐसा होता भी रहता है, लेकिन महाराज तो बदल लूंगा, कल ही बदल लूंगा, मुझे तो क्या नहीं, यही बदल लूंगा अपने आराम से। क्षमा करें महाराज जी, बीच में बोल रहा हूँ कि समस्या क्या है महाराज जी, हमारे पास भी बहुत समय से बहुत फोन आ रहे हैं और चूंकि आपके जो संयम का उपकरण वो व्रत से जुड़ा हुआ होता है तो बहुत लोगों की भावना होती है, कोई चूक नहीं जाए महाराज जी, इसलिए हमें थोड़ा समय मिले। दूसरी चीज शादी विवाह महाराज जी, हम लोग गृहस्थी तो कल नहीं करना, 3 दिसंबर कर लो महाराज जी, नहीं करना चलो 10 कर लो बस, ठीक है महाराज जी। एक्चुअली क्या है, अब जब ये भी पता चल गया कि मूर्तियों का, तो क्यों नहीं अपन चाहेंगे ना कि किशनगढ़ का समाज मूर्तियों का अभिषेक करे, तो उतना समय भी मिल जाए महाराज जी हम लोगों के लिए कि उसको भी एक भव्यतम रूप दे सके। 10 तारीख को मैं सोच सकता हूँ, लेकिन 10 को तुम लोग कह रहे हो महाराज जी बहुत कार्यक्रम है महाराज जी, बहुत यानी मेरी पिछली बार तुम्हारी शादी नहीं हट सकती, मेरा कार्यक्रम हट सकता है। अरे वाह रे वाह पट्टा, लोग कहते महाराज 10 तारीख इतने लोग कह रहे थे महाराज 10 का मत रखना, मैंने क्यों, बोले हमारे शादी हमने अब तो उसी तारीख में करूंगा। चलो कोई बात नहीं, 10 दया करता हूं नहीं महाराज जी, हम तो ये निवेदन कर 17 तारीख के लिए ठीक है, 17 तारीख का पिछली परिवर्तन के लिए रख लीजिए, लेकिन मेरा संकल्प नहीं है विकल्प है। 2 आज्ञा की छूट है, गुरु आज्ञा आने पर ऊपर जाने पर, यदि ऊपर चला गया
और गुरु आगे आ गई, डोकी छूट रख करके करो। हम तो महाराज जी ये निवेदन कर रहे थे कि 1 तारीख को उनके साथ, 1 तारीख को तो किशनगढ़ को मिलना मुश्किल है, फिर भी देखता हूं किसी के भाग्य को मैं वो नहीं कर सकता। बस अभी तो जो तुम्हारे संदेश दिया है, इस संदेश को भारतवर्ष 31 और 1 तारीख एक अलौकिक होगी, अलौकिक दर्शन होंगे और बहुत अलौकिक होंगे, जो देख करके ही तुम दंग रह जाओगे कि ऐसी भी मूर्तियां हमारे पूर्वजों के पास थी। अभी जो महाराज जी के मुखारविंद से 17 तारीख निकल गई, तो हम अभी 17 तारीख की यहाँ से विधिवत घोषणा कर रहे हैं कि 17 दिसंबर को पिछले परिवर्तन का आयोजन भव्यता पूर्वक हम सब लोग मिलकर के संपन्न करेंगे। हमारे श्री महावीर दिगंबर जैन हाउसिंग बोर्ड मंदिर से कमेटी पदाधिकारी, थोड़ी देर में बैठे, 5 मिनट बाकी है, थोड़ी देर एक बैठ जाए, समझो 1 मिनट के लिए जरा बैठ जाए। देखो एक काम और है, मैंने कहा था ना कि तुम ये मत समझना कि किशनगढ़ वाले बहुत दान दे चुके, मेरे तो अभी तक भी योजना बनाऊं वो भी पूरी होगी, और चिंता मत करना कहां से आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं मेरा भक्त कभी दान देने से थके, और मैं नहीं चाहता हूं मैं कभी दान का उपदेश देने से थकूं। मेरे अंतिम श्वास तक दान देने का उपदेश मेरे मुंह से निकलता रहे, इसलिए कि मेरा भक्त कभी भी ऐसे दिन ना देखे कि वह कमाने लायक भी ना रहे और खाने लायक भी ना रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं। अभी देखो कल ही एक योजना बन गई और बहुत बड़ा काम, हाउसिंग बोर्ड का मंदिर, मूर्ति बहुत धोखा हो जाता है कई बार, मूर्ति गलत बैठ गई और क्षरण को प्राप्त हो रही, उसके संबंध में तो मंदिर ही कल जाके देखा मैंने, कल नहीं कुछ दिन पहले गया था, तो बहुत ही बहुत सदोष है, बेचारे सिर से पहाड़ फोड़ रहे। अब उस मंदिर को ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत ही ठीक है, ज्यादा नहीं, तो लोगों ने बस साहस हुआ, मैंने सगुन उठाया था कि देखें इन लुटे हुए किशनगढ़ में अब कितना माल है, मैंने सब ठीक कहा ना, लुटा हुआ सब ठीक कहा ना, बोलो अब तुम बोलो, महाराज लुटे नहीं है साहूकार बने हैं। हाँ, इतना दान देने के बाद मैंने कहा भाई इसको आशीर्वाद दो और काम नहीं हुआ तो क्या करूंगा, तो मैं सगुन उठाता हूं, तो थोड़े से 10-25 लोग थे, उतने के बीच में ही मंदिर के लिए बनाने के लिए जो तैयारियां हुई ये घोषणा कर दे, और ये लोगों ने स्वेच्छा से अपना दान बोला है, और वो मंदिर का सुधार करना है हाउसिंग बोर्ड का, और उनमें जिनको भी अपना दान देना है वो दे सकते हैं, तो इनका नियम कौन आया, 1 लाख रुपए से ऊपर देगा 1/11 से उसका पार्टी पर नाम आएगा। सबसे पहले तो हाउसिंग बोर्ड में रहने वाला एक भी परिवार नहीं बचना चाहिए, किशनगढ़ वाले दें तो मना नहीं है, लेकिन फर्स्ट एंड फर्स्ट। चलो बोले, जल्दी बोले। श्रीमान M.K. जैन साहब, अजय जी, रजत जी जैन गंगवाल, कलश 5 कलश, श्रीमान स्वरूप चंद जी, कपिल जी, संजय जी, मुकेश जी जैन बज, मतलब 2.5 कलश, श्रीमान आनंद जी।